नेशनल वॉर मेमोरियल भारत सरकार द्वारा अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए निर्मित एक स्मारक है। यह मेमोरियल नई दिल्ली के केंद्र में स्थित इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 25 फरवरी को इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1947 और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में बांग्लादेश निर्माण, 1987 में सियाचिन, 1999 में कारगिल संघर्ष और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन के दौरान मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। चक्रव्यूह की संरचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ में बनाए गए इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 400 केंद्रित चक्र शामिल है। प्रत्येक चक्र सशस्त्र बलों के विभिन्न मूल्यों को दर्शाता है। अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नमक इन चार चक्रों में 25,942 शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। क्या है इन चारों चक्रों का महत्व? नंबर एक पर आता है अमर चक्र। 6 भुजाओं हेक्सागोनल वाले आकार में बने इस मेमोरियल के केंद्र में 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर ज्योति दीप्तमान रहेंगी। यह दर्शाती है कि सैनिकों के बलिदान को भारतीय नागरिकों द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। नंबर दो पर आता है वीरता चक्र। अमर चक्र को घेरता हुआ दूसरा चक्र बनाया गया है, जिसका नाम है वीरता चक्र। वीरता चक्र थल सेना, वायु सेना और नौसेना की 6 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में बताया गया है, जिन्हें कांस्य में चित्रित किया गया है। प्रत्येक कांस्य चित्र का वजन 600 से 1000 किलोग्राम के बीच है। साथ ही उस चित्र से जुड़े युद्ध के बारे में भी पूरा विवरण दिया गया है। नंबर तीन पर आता है त्याग चक्र। इसके बाद तीसरा चक्र है त्याग चक्र, जो कि ग्रेनाइट ईंटों की 2 मीटर लंबी ऐसी 16 दीवारों से बना हुआ है। प्रत्येक ईंट पर स्वतंत्रता के बाद से अब तक जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम अंकित किए गए हैं। त्याग चक्र में लगभग 25,700 सैनिकों के नाम लिखे जा चुके हैं। नंबर चार पर आता है रक्षक चक्र। सबसे भारी चक्र पर सुरक्षा चक्र है, जिसमें 695 पेड़ है, जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाता है। 60 साल बाद पूरा हुआ वॉर मेमोरियल का सपना। पहली बार सन 1960 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव सशस्त्र बलों की ओर से दिया गया था, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। कई सालों तक लगातार मांग के बाद 2006 में रक्षा मंत्रालय ने इसे इंडिया गेट के पास स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने विकास का क्षेत्र बोलते हुए अस्वीकार कर दिया। 2012 में यूपी सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों की इस लंबे समय से की जा रही मांग को मान लिया और सन 2015 में मोदी जी के कार्यकाल में इसका निर्माण शुरू हो गया। सन 2016 में इस युद्ध स्मारक और युद्ध संग्रहालय के डिजाइन के लिए विश्व स्तरीय प्रतियोगिता MyGOV.in पोर्टल के माध्यम से आयोजित की गई और इसका परिणाम अप्रैल 2017 की शुरुआत में घोषित किया गया। चेन्नई स्थित आर्किटेक्ट VP डिजाइन लैब के प्रस्ताव को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लिए विजेता घोषित किया गया। वहीं मुंबई के एक स्टूडियो SP+ ने युद्ध संग्रहालय के लिए डिजाइन में जीत हासिल की, जिसके बाद इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। 40 एकड़ में बने इस युद्ध स्मारक की लागत 176 करोड़ रुपए आई है और यह रिकॉर्ड एक साल में बनकर पूरा हो गया। इसी साल 25 फरवरी 2019 को इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्यों है नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट से भी खास? अभी तक दिल्ली में सिर्फ एक ही युद्ध स्मारक इंडिया गेट था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और अफगान की लड़ाई के दौरान शहीद हुए 84,000 भारतीय सैनिकों की याद में ब्रिटिश हुकूमत ने बनवाया था। इसकी नींव 1921 में एडवर्ड लुटियंस द्वारा रखी गई थी, जो 12 फरवरी 1931 को बनकर तैयार हो गया था। यूनाइटेड किंगडम्स के कुछ सैनिकों और अधिकारियों के 13,000 सैनिकों के नाम इस गेट पर उत्कीर्ण है। वहीं दूसरी ओर इस नेशनल वॉर मेमोरियल को उन 25,942 जवानों की याद में बनाया गया है, जिन्होंने आजादी के बाद देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। यह आजादी के बाद पहला नेशनल वॉर मेमोरियल है जो कि इंडिया में स्थापित किया गया है। इस पर भी शहीद जवानों के नाम अंकित है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की खास बातें। नेशनल वॉर मेमोरियल आमजन के लिए हर दिन खुला रहेगा। यहाँ प्रवेश मुफ्त रखा गया है।
मुख्य क्षेत्र और परम योद्धा स्थल के लिए समय निश्चित किया गया है। खास दिनों में फूल चढ़ाने के लिए समारोह का आयोजन भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। हर रोज सूर्यास्त से ठीक पहले सैन्य बल के साथ सभी शहीदों को सलामी दी जाएगी, जिसे रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। रविवार सुबह 9:50 बजे चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होगी, जो करीब आधे घंटे चलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास ही 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की कांसे से प्रतिमाएं भी बनाई गई है। यह ऐतिहासिक स्मारक के चारों ओर आर्टिफिशियल लाइटिंग लगाई गई है, जिसका रात में बहुत ही अद्भुत नजारा होगा। इसके साथ ही यहाँ वर्किंग प्लाजा भी तैयार किया गया है। और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।